हाय एवरीवन, आज मेरी रसोई से बनेगी एक बहुत ही हेल्दी हर्बल टी। वो है लेमन ग्रास टी, नींबू घास की चाय। वेलकम टू माय किचन। लेमन ग्रास, इसको हिंदी में कहते हैं नींबू घास। ये कोई नींबू का पेड़ नहीं है, ये एक घास की तरह है। इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो नींबू की तरह होती है, और ये इजीली मार्केट में ड्राइड आपको मिल जाएगी, और घर में भी आप इसको इजीली लगा सकते हो। इस प्लांट की ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, और ये बहुत जल्दी फैलती है। ये बहुत ही पावरफुल हर्ब है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये बहुत सारी रेसिपीज़ में भी फ्लेवर देने के लिए यूज़ होती है। इसकी टी बनती है, इसके ऑयल बनते हैं। चलो अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है, हमारे मूड को अपलिफ्ट करती है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस की वजह से ये अरोमा थेरेपीज़ में यूज़ करती है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक काम इफेक्ट देता है। वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ, फीवर में भी इसको यूज़ किया जाता है। वेट लॉस में तो ये बहुत ही हेल्प करती है। इसको मैजिकल टी भी कहा जाता है वेट लॉस के लिए। हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में, एक्सेस वाटर रिमूव करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करती है। हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में ये हेल्प करती है। ये टी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, और पीरियड्स के टाइम जो क्रैम्स पड़ते हैं, ब्लॉटिंग होती है, उसमें तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। और अब किचन में चलते हैं और इसकी टी प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैंने लेमन ग्रास अपने किचन गार्डन से थोड़ी और उसको अच्छे से मैंने पानी से वॉश कर लिया, और उसको मैं सीजर से छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। अगर पीसेस में ना कट करना हो तो 4-5 स्टेम्स लेकर आप इसका बंच भी बना के टी में डाल सकते हो। इसकी ड्राइड लीव्स आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाएंगी। लेमन ग्रास के साथ साथ हम कुछ और हर्ब्स भी यूज़ करेंगे इस टी को बनाने के लिए। लेंगे हम अदरक, जिंजर, फेनल सीड, सौंफ, पुदीना। 2 कप टी बनाने के लिए मैंने सॉस पैन में 2 कप वाटर ऐड करा, उसमें बॉयल आने दिया, फिर मैंने इसमें ऐड करी अदरक, जिंजर, फेनल सीड, सौंफ और लेमन ग्रास जो मैंने काटी थी। 2 स्पून्स हैं ये मेरी, और इसको अच्छे से बॉयल आने देना है। हर्ब्स को हमें ज़्यादा देर बॉयल नहीं करना है, इसको हार्डली 1 मिनट तक ही बॉयल करना है। इसको सिर्फ इन्फ्यूज़ करना है, काढ़ा नहीं बनाना हमें इसका। हर्ब्स को हम जब ज़्यादा बॉयल करते हैं तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती हैं। 1 मिनट बॉयल होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिंट लीव्स। मिंट लीव्स को कभी भी बॉयल नहीं करते, और हम कर देंगे गैस की फ्लेम ऑफ, और इसको ढक कर इन्फ्यूज़ होने के लिए 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। ये टी होटी सर्व की जाती है। विंटर्स में आप इसमें क्लोव या सिनेमन कुछ और ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोल्ड कफ का प्रॉब्लम है तो इसमें थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हो, और हनी भी ऐड कर सकते हो। इस टी को आप बिना किसी हर्ब के साथ बना सकते हो, सिर्फ लेमन ग्रास से। ये आपको बहुत ही रिफ़्रेश फील कराएगी। इसको आप एज अ बेड टाइम भी इस टी को यूज़ कर सकते हो, चाहे सिंपल या हर्ब वाली। और वेट लॉस में तो ये बहुत ही हेल्प करती है, जब आप इसमें जिंजर, फेनल सीड्स ऐड कर देते हो। प्रेगनेंसी में इस टी को बिल्कुल अवॉइड करना है, और इसका कंजप्शन एक्सेस में नहीं करना। हर चीज़ एक्सेस में नुकसान ही देती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ये रेसिपी, ये टी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। बाय।